व्हाट्स अप गाइस, तो कैसे हो आप सब। तो गाइस आज हम लाइटरूम के मिक्स टूल के ऊपर वीडियो बना रहे हैं। अगर आप मिक्स टूल को कैसे यूज करते हैं जानते नहीं हो तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखना, मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ, तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले इस फोटो को हम लाइटरूम में सिंपली ऐड कर लेंगे। तो गाइस हम लाइटरूम ऐप में, तो गाइस सबसे पहले इस कलर टूल पर आएंगे, उसके बाद हम जाएंगे मिक्स। तो गाइस यहाँ पर जो हमारा ऑरेंज है वो ऑरेंज काम करता है हमारा फेस के ऊपर, यानी कि हमारा बॉडी के ऊपर। तो गाइस इधर हम देख सकते हैं हमारा मॉडल का जो फेस है बहुत ही रेड रेड हो रहा है, तो हम इधर से हम इसका सिचुएशन कम कर देंगे। तो मैं करीब इतना रखता हूँ। उसके बाद हम इस मॉडल का जो फेस है उसको हम ब्राइट देंगे लुमेंस की मदद से। तो देख सकते हो मैं लुमेंस बढ़ाया और ब्राइट आ गया, और मुझे अभी भी लग रहा है कि अभी भी रेड रेड है। तो मैं सबसे पहले इस रेड को हम सिलेक्ट करेंगे और इसको हम सिचुएशन थोड़ा कम और लुमेंस को बढ़ा देंगे। तो बस हम इसके बाद हम देखेंगे हमारा बैकग्राउंड के पीछे ग्रीन सा है, तो इस ग्रीन को हम सबसे पहले सिचुएशन कम कर देंगे इतना फुल, उसके बाद लुमेंस बढ़ाएंगे। इसके बाद हम इस कलर यानी येलो को सिलेक्ट करेंगे, उसका भी सिचुएशन कम और लुमेंस को बढ़ाएंगे। इसके बाद हम इस कलर पर आएंगे, इसका भी सेम प्रोसेस। अब इधर देखो हमारा जो मॉडल का जो शर्ट है वो ब्लू कलर का है, तो हम इस ब्लू कलर को हम ह्यू कम करके इस कलर पे ले आएंगे, और इसके बाद हम इस कलर को सिलेक्ट करेंगे और इसका सिचुएशन थोड़ा कम, ह्यू थोड़ा कम कर देंगे, लुमिनस बढ़ाएंगे और ऐसा डन। तो गाइस यहाँ पर हम टेम्परेचर इधर उधर करके देखते हैं कहाँ पर अच्छा लग रहा है, तो मैं यहाँ पर इतना ही रखता हूँ -11, उससे टीन भी देखेंगे कहाँ पर अच्छा लग रहा है, तो मैं यहाँ पर 9 रखता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हो फेस में फिर से रेड रेड टोन आ गया, तो फिर से हम ऑरेंज में आएंगे और इसको सिचुएशन फिर से कम कर देंगे और लुमिनस को बढ़ाएंगे, डन। तो इसके बाद हम ब्राइटनेस में आएंगे, इसको थोड़ा ब्राइटनेस देंगे और सिचुएशन थोड़ा कम। तो इसके बाद हम आएंगे इस सन वाले आइकन पर, और इसके बाद हम एक्सपोजर में आएंगे, एक्सपोजर करीब इतना देंगे हम, और कंट्रास्ट को थोड़ा ही देंगे, और इसको हाईलाइट जो है उसको हाईलाइट थोड़ा कम कर देंगे, शेडो को थोड़ा इंक्रीज कर देंगे, और जो वाइट है उसका भी थोड़ा इंक्रीज कर देंगे, और जो ब्लैक है उसका भी हम इंक्रीज कर देंगे करीब इतना। तो गाइस इसके बाद हम आएंगे इस टूल पर, तो गाइस इसके बाद हम करेंगे विग्निटी करीब इतना रखेंगे, उसके बाद हम क्लैरिटी को थोड़ा ही देंगे। तो अब कुछ नहीं करना, आप इस पर आएंगे इस टूल पर। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो शार्पिंग, तो इस फोटो को हम शार्प कर लेंगे, देख सकते हो पहले कैसा था, आप शार्प कर लेंगे। तो गाइस आप देख सकते हो इधर इधर सब शार्प हो चुका है, तो आप देख सकते हो इसके बाद हम यहाँ पर नॉइज आ रहा है बहुत, तो इसके बाद हम क्या करेंगे इस नॉइज को हम इतना कर देंगे। तो गाइस इसके बाद हम अब देख सकते हो पहले नॉइस कितना था बहुत ही कम हो गया है, तो इसके बाद हम कलर नॉइस को भी थोड़ा ही देंगे। तो गाइस देख सकते हो पहले कितना नॉइज़ आ रहा है, अब बहुत ही कम आ रहा है नॉइज़। तो इसके बाद हम क्या करेंगे,
हमारा जो काला नॉइज है इसको भी हम थोड़ा ही देंगे। बूम गाइस, तो देख ही सकते हो पहले कैसा था और अब कैसा है। तो गाइस अगर ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड कमेंट करके बता देना किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर कोई भी क्वेश्चन होगा इस मिक्स टूल के ऊपर तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना, मैं ट्राई करूँगा उसके ऊपर भी एक वीडियो लाने की। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नई टॉपिक के साथ, तो तब तक के लिए बाय बाय।